हम तीन लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने नहीं बात सुनी। और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किसान बेटे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके दो तीन आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे, ये रियलिटी है।